प्रबंधकों गल की गई थी और उन्होंने कहा ठीक है जो आएंगे बाबा जी अंदर जाके गल कर लियो। सो गुरु महाराज की हजूरी च बैठ के सारे ने गल करने की कोशिश की, उन्होंने टाइम डिले किया और जो ढाडी रागी लगे से उन्होंने प्रबंधक कमेटी ने कहता कि तुम हले होर कथा करी जाओ होर तुम इतने बारह गाई जाओ, वो टाइम वेस्ट कर रहे थे। उस तो बाद जो असी फिर माइक ले उन्होंने मंगिया उन्होंने गल की लेडीज ने उन्होंने नहीं दिता माइक, उस तो बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर ली। जो बाबा जी जेडे अपने आप को कहते बाबा जी हरी सिंह वो कहते कि मैं स्टेज पर बैठ के जवाब दिना तुम इन्होंने गलों के, तो जो बैठे थे सारिया औरतों जिन्होंने को सवाल से मोहरे बैठे से बिल्कुल उन्होंने जितने स्टेज लाई सी उन्होंने कहा कि मैं सज्जे पासे बहिंदा हाँ इधर गुरु महाराज की हजूरी दे क्योंकि साड़ी जी असी बंदे हाँ साड़ी जी इज्जत ज्यादा आ जड़िया औरतें आ वो खब्बे पासे बहिंदियाँ करके अपवित्र आ। सो साडा यह सवाल से बाबे नूं कि अपवित्र क्यों ने, इन्हां औरतों की कुख चों ही हरी सरदार हरी सिंह नड़ुए वर्गे महान योध्या ने जन्म लिया आ। सो एक छोटा जिहा सवाल सी उहदा जवाब ना देण दे करके प्रबंधकां ने थोड़ा लमकाया और जद साडे नाल दी एक मैं तां ना भी लऊंगी लक्की गिल साडे नाल दी औरत उसने बलबीर सिंह बाबा जी जो सीगे उन्होंने पुछया कि तुसीं असीं इहदा जवाब लैणा, वो कहिंदे तूं अंदर जा के दिखा तेरा गल तेरी धौण ला दित्ती जाऊगी। वापस जदों उस कुड़ी ने अंदर जाके फिर पुछया होर एक कुड़ी सी उहने पुछया बाबा जी तुसीं इदां कहा सी, कहिंदा हाँ मैं तैयार हाँ धौण ला दवांगा। सो इस करके उन्होंने बाद में गहमा गहमी हो गई तो बाबा जी तो जो बाद सवाल किए गए उन्होंने कोई ठोस यदा जवाब नहीं दिता, वो कहते तुम चार पांच औरतें जिन्होंने ये जवाब चाहिए असं उसे दुख निवार गुरु घर चाहिए थी कुछ है कि जेडे बीबिया सवाल से जेडे एक बाबा हरी सिंह रंधावा जो कि अपने आप में बाबा कहते हैं पंजाब तो इतने आए थे कथा करते उन्होंने बहुत ही माड़ी शब्दावली जो औरतें निभाई थी वो संबंध के काफ़ी औरतें इतने लगिया हो गई आई उन्होंने सवाल किया जाए कि उन्होंने जो एक शब्द वरते कि औरत अपवित्र आ जो औरत महीने के पीरियड आते महामारी आती है उदों औरत अपवित्र हो जाती है। सो असी उन्होंने को पुछना सी कि तुम सू दसो कि गुरबाणी में कितने लिखा है कि इस पंक्ति जिहदा बयान किया है कि औरत पवित्र आ अपवित्र आ क्योंकि इसे औरत की कुख चो ही उन्होंने जन्म लिया जेडे अज अपने आप को बाबा कहते हैं। सो असी बहुत वधिया तरीके औरतां आईयां सी असी नाल उन्होंने खड़े से सारे किसी ने कोई खराबी नहीं की प्रबंधकों ने गल की गई सी और उन्होंने कहा ठीक है जो आएंगे बाबा जी अंदर जाके गल कर लियो। सो गुरु महाराज की हजूरी च बैठ के सारे ने गल करने की कोशिश की, उन्होंने टाइम डिले किया और जो ढाडी रागी लगे से उन्होंने प्रबंधक कमेटी ने कहता कि तुम हले होर कथा करी जाओ होर तुम इतने बारह गाई जाओ, वो टाइम वेस्ट कर रहे थे। उस तो बाद जो असी फिर माइक ले उन्होंने को मंगिया औरतों ने गल की लेडीज ने उन्होंने नहीं दिता माइक, उस तो बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर ली। जो बाबा जी जेडे अपने आप को कहते बाबा जी हरी सिंह वो कहते कि मैं स्टेज पर बैठ के जवाब दिना तुम इन्हों गलों के, तो जो बैठे थे सारिया औरतों जिन्होंने को सवाल से मोहरे बैठे से बिल्कुल उन्होंने जितने स्टेज लाई सी उन्होंने कहा कि मैं सज्जे पासे बहिंदा हाँ इधर गुरु महाराज की हजूरी दे क्योंकि साड़ी जी असी बंदे हाँ साड़ी जी इज्जत ज्यादा आ जड़िया औरतें आ वो खब्बे पासे बहिंदियाँ करके अपवित्र आ। सो साडा यह सवाल से बाबे नूं कि अपवित्र क्यों ने, इन्हां औरतों की कुख चों ही हरी सरदार हरी सिंह नड़ुए वर्गे महान योध्या ने जन्म लिया आ। सो एक छोटा जिहा सवाल से उहदा जवाब ना देण दे करके प्रबंधकों ने थोड़ा लमकाया और जद साडे नाल दी एक मैं तां ना भी लऊंगी लक्की गिल साडे नाल दी औरत उसने बलबीर सिंह बाबा जी जो सीगे उन्होंने पुछया कि तुसीं असीं इहदा जवाब लैणा, वो कहिंदे तूं अंदर जा के दिखा तेरा गल तेरी धौण ला दित्ती जाऊगी। वापस जो उस कुड़ी ने अंदर जाके फिर पुछया होर एक कुड़ी सी उन्हें पुछया बाबा जी तुसीं इदां कहा सी, कहिंदा हाँ मैं तैयार हाँ धौण ला दवांगा। सो इस करके उन्होंने बाद में गहमा गहमी हो गई तो बाबा जी तो जो बाद सवाल किए गए उन्होंने कोई ठोस यदा जवाब नहीं दिता, वो कहते तुम चार पांच औरतें जिन्होंने ये जवाब चाहिए तुम मेरे प्राइवेट जाके मिल के जवाब ले लो क्योंकि उन्होंने को जवाब नहीं सी पब्लिक के सामने किसी के जवाब नहीं दे सकते। इतने दोष मैं किनू दऊंगी, मैं तुहानू सारियां नू दोष दऊंगी, मैं जेडे उन्हां लोकां नू दऊंगी जिन्हां ने इन्हां बाबियां नू सिर ते चढ़ाया है, ये दोष उन्हां लोकां नू जांदा। असी इत्थे इन्हां नू सद्दे आ कि साडे जेडे बच्चे आ उह गुरमत दा कुछ विचार लै सकण, असी अपणियां जड़ां नाल अपने विरसे नाल असी जुड़ के रख सकीए, पर कुछ एक गलत आंसर जो गलत पासे नू लै के जांदे ने। सो उन्हां दे नाल सानू सावधान होण दी लोड़ आ और सानू सारियां नू बाबे कोलों इहदा जवाब चाहीदा, बाबे नू औरत जात सारी दे कोलों इस गल दी माफ़ी मंगनी चाहिए, इहो ही औरतां चाहुंदियां ने। और अज जो जून का यह महीना है साडे जाखम हले रिस दे 31 साल हो गए,
जो कतलेआम सिखां दा होया सी अज ओ इन्ना औखी घड़ी दे विच दी सिखी कौम गुजर रही आ पर जिहड़ा आ एक दिन होया ना ये साडे जख्मां दे होर लूण पाया गया आ सो इस करके सारी साध संगत नूं अपील आ सिख कौम नूं अपील आ जिन्ना चिर असीं अपनी सिखी नूं नहीं सांभांगे ना तां किसे ने नहीं सांभणा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।